भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ये जो ग्रंथ है ये न्याय दर्शन के जो सिद्धांत हैं उसमें थोड़ा नवीनीकरण, तो इसको नव्य न्याय कहते हैं। तो श्री विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य जी एक बहुत बड़े विद्वान जो हुए हैं, तो उन्होंने इसके ऊपर ये लगभग कितनी कारिकाएं हैं, 168 कारिकाएं हैं, तो इसको कारिकावली कहा। जैसे पूरे न्याय दर्शन में कितने सूत्र हैं, 527 सूत्र हैं, तो ऐसे ही इन्होंने उन सूत्रों को, जैसे वहां सांख्य दर्शन को सांख्य कारिका के रूप में उसको संग्रहित किया है, ऐसे ही यहाँ न्याय दर्शन जो प्राचीन ग्रंथ है अपना गौतम ऋषि प्रणीत, उसको यहाँ कारिकाओं में इन्होंने संग्रह किया है। तो उनमें से इसके तीन खंड हैं, फिर चार खंड हैं, बल्कि पहला प्रत्यक्ष खंड है और दूसरा अनुमान खंड, तीसरा उपमान और चौथा शब्द, माने प्रमाण के आधार पे वस्तुओं को हम देखते हैं। तो प्रमाण न्याय ने कितने प्रमाण माने हैं, चार माने हैं ना, तो उसमें प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान और शब्द प्रमाण। तो ये दूसरा खंड है अनुमान खंड जो है, तो इसकी जो पहली कारिका है उसमें कह रहे हैं व्यापारस्तु परामर्श करणम व्याप्ति धीहि भवेत। व्यापारस्तु परामर्श और करणम व्याप्ति धीहि भवेत। जैसे हम अनुमान प्रमाण से किसी वस्तु को जानते हैं, तो एक उसमें होता है व्यापार, व्यापार को इन्होंने कहा परामर्श, व्यापारस्तु परामर्श, और उसमें साधन क्या बनता है उसको जानने में, करणम व्याप्ति धीहि, व्याप्ति का जो ज्ञान है वो उसमें साधन बनता है। तो अब ये व्यापार क्या है, परामर्श क्या है, करण क्या है, व्याप्ति क्या है, ज्ञान क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो शब्द आए हैं, तो पहले इसकी ये जो सिद्धांत मुक्तावली है इसको पढ़ रही हूं मैं। अनुमितिम व्युत्पादयति व्यापारस्तु इति। अनुमिति को जो उत्पन्न करता है उसको व्यापार कहते हैं। अनुमिति मतलब अनुमान प्रमाण से जो जाना गया ज्ञान, जो हमने अनुमान प्रमाण से जाना उसको कहते हैं अनुमिति। अनुमितिम व्युत्पादयति, जो अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसको कहते हैं व्यापार। अनुमायाम अनुमितौ, अनुमिति किसको कहते हैं, अनुमायम माने अनुमान को ही अनुमिति कहते हैं। अनुमितौ व्याप्ति ज्ञानम करणम, और उसमें ये जो अनुमिति हो रही है, अनुमितौ उस अनुमिति का ज्ञान होने में, व्याप्ति ज्ञानम करणम जो व्याप्ति का ज्ञान है वो उसका करण अर्थात कारण बनता है, करण मतलब कारण साधन। परामर्शो व्यापार है, और जो परामर्श है वो व्यापार बनता है। तो अनुमान प्रमाण से जो हमें ज्ञान होता है उसमें व्याप्ति ज्ञानम, व्याप्ति का ज्ञान, व्याप्ति क्या होती है, किन्हीं दो वस्तुओं का नित्य संबंध और निश्चित संबंध, उसको व्याप्ति कहते हैं। जैसे जहां जहां धूम वहां वहां अग्नि, तो
तो धूम और अग्नि ये जो दो पदार्थ हैं इनका नित्य संबंध है, निश्चित संबंध है, तो इसको कहते हैं व्याप्ति। ठीक है, तो इस व्याप्ति का ज्ञान कि जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, मानो किसी व्यक्ति ने पहाड़ के ऊपर धूम को उठते हुए देखा, ये बताएंगे अपने आप ही, तो इसको पहले से ही व्याप्ति का ज्ञान है, इसने पहले ही रसोई घर में देख रखा है, अग्नि और धुआं का नित्य संबंध देख रखा है। तो ये जो पहले का जो ज्ञान है, व्याप्ति का ज्ञान, कि जहां जहां धूम होती है वहां वहां अग्नि होती है, ये व्याप्ति का ज्ञान अब यहां पर अनुमान प्रमाण से जानने में साधन बनेगा, करण बनेगा, तो उसी को कह रहे हैं अनुमितौ। ये अनुमिति करने में, अनुमान से जानने में व्याप्ति ज्ञानम करणम, जो व्याप्ति का ज्ञान है वो करण बनता है, परामर्शो व्यापार है, और जो परामर्श है वो व्यापार। तथा ही जैसे उदाहरण दे रहे हैं, ये न पुरुषेण महान असाधौ धूमे वन्ने व्याप्ति गृहीता पश्चात स एव पुरुषः क्वचित् पर्वतादौ अविच्छिन्न मूलां धूमलेखां पश्यति तदनन्तरं धूमो वह्नि व्याप्य इति एवं रूपं व्याप्तिस्मरणं तस्य भवति पश्चात् सः वह्नि व्याप्य धूममान अयम् इति ज्ञानं भवति स एव परामर्श इति उच्यते। तो परामर्श क्या है, कह रहे हैं जैसे तथा ही जैसे येन पुरुषेण जिस किसी व्यक्ति ने महान असादौ रसोई घर आदि में धूमे वन्ने व्याप्ति गृहीता धूम और अग्नि की व्याप्ति को जिसने देखा है, ग्रहण किया है, जिसने कहीं महानस आदि में रसोई घर आदि में कहीं ये देखा है कि जहाँ धुआं होता है वहां आग भी होती है, इस नित्य संबंध को जिसने देखा है, पश्चात स एव पुरुष है, और उसके बाद वही व्यक्ति क्वचित पर्वत आदौ कहीं पर्वत आदि के ऊपर अविच्छिन्न मूलाम धूमलेखाम पश्यति, अविच्छिन्न मतलब न टूटती हुई, अविच्छिन्न मूलाम धूमलेखाम, मूल से अविच्छिन्न मतलब नीचे से ही ऐसे उठ रही है धुआं। अगर ऊपर ऊपर धुआं होगी तो फिर नहीं कहा जाएगा, वो कैसी होनी चाहिए धुआं, अविच्छिन्न मूल धूमलेखा, वो धूमलेखा ऐसी होनी चाहिए जो अपने मूल से जुड़ी हुई है, अर्थात अग्नि के पास से ही जो शुरू होती है। तो अविच्छिन्न अविच्छिन्न मूलाम धूमलेखाम पश्यति तदनंतरम, और उसको देख करके इसके बाद धूमो वह्नि व्याप्य, ये धूम क्या है, वह्नि व्याप्य, एक व्यापक है एक व्याप्य है, तो व्याप्य क्या है और व्यापक क्या है, व्यापक क्या है यहाँ पर धुआं और अग्नि में, व्यापक क्या है, व्यापक तो ईश्वर है और जगत उसमें व्याप्य है। ठीक है, तो व्यापक धुआं और अग्नि में व्यापक कौन है और व्याप्य कौन है जो उसमें रहता है, तो वही बता रहे हैं। तदनंतरम धूमो वह्नि व्याप्य, उसके बाद ये जो धुआं है जो कि वह्नि में व्याप्य है, अग्नि में समाया हुआ है, उसके बीच में रहता है धुआं, तो इत्येवम रूपम इस वाले रूप को अर्थात व्याप्ति स्मरणम तस्य भवति, उसको उस व्याप्ति का स्मरण होता है कि धूम हमेशा किस में व्याप्य रहता है, अग्नि में, अग्नि व्यापक होती है वो उसमें व्याप्य होता है। पश्चात वह्नि व्याप्य धूमौ धूमवान अयम इति ज्ञानम भवति, और जब वो इसको याद करता है व्याप्ति को कि जहां जहां कहीं धुआं होता है वहां वहां तो अग्नि होती है, तो ऐसा स्मरण करके फिर वो इस वह्नि व्याप्य धूमवान, फिर वो कहता है वह्नि से व्याप्य धुआं वाला अयम इति, अयम माने ये पर्वत या कोई अन्य स्थान, अयम इति ज्ञानम भवति, तब उसको ये ज्ञान होता है कि धूम से, धूम जहां दिखाई दे रही है तो ये धूम कैसा है, अग्नि व्याप्य है, तो अग्नि व्याप्य वह्नि व्याप्य
धूमवान अयम इति, धूम वाला है यह पर्वत, इति ज्ञानम भवति, ऐसा उसको ज्ञान होता है। तो ये जो ज्ञान होता है ये क्या है, स एव परामर्श इति उच्यते, इसी को ही परामर्श कहा है। तो कारिका क्या कह रही है, व्यापारस्तु परामर्श, परामर्श क्या है, व्यापार, और परामर्श क्या है, परामर्श या व्यापार क्या है, जहां पहले एक बार व्याप्ति का ज्ञान हुआ उसको स्मरण करके जब दूसरी वस्तु का अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान हो रहा है इसको कहेंगे व्यापार। तो व्यापारस्तु परामर्श, करणम व्याप्ति धीहि भवेत, परामर्श तो व्यापार है और उसका कारण क्या है, व्याप्ति धीहि, व्याप्ति धी मतलब व्याप्ति का ज्ञान, व्याप्ति का ज्ञान होगा ना तभी तो उसको परामर्श होगा, तभी तो वो स्मरण करेगा, पहले तो उसको व्याप्ति का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर जहाँ अग्नि दिखाई नहीं दे रही है तो अग्नि का अनुमान प्रमाण से ज्ञान करने में साधन क्या है, धुआं है, धुआं है, नहीं धुआं नहीं है, ये कह रहे हैं व्याप्ति धी कारण है, धूम तो हेतु है, वो हेतु है, उस हेतु से कारण क्या है, किस कारण से इसको ज्ञान हो रहा है। अगर इसने पहले कभी भी व्याप्ति नहीं जानी होती, व्याप्ति का ज्ञान यदि नहीं होता तो धूम को देख करके भी अग्नि का ज्ञान नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने कभी भी पहले धुआं और अग्नि के नित्य संयोग को नहीं देखा और उसका ज्ञान नहीं है तो अब इसको धुआं दिखे तो भी ये नहीं कह पाएगा कि यहाँ अग्नि है। तो कारण ये क्या बता रहे हैं, कारण क्या है, व्याप्ति धीही, व्याप्ति का ज्ञान, उस व्याप्ति का ज्ञान होना चाहिए। तदनंतरम पर्वतो मन्निमान इति ज्ञानम जायते, जायते तद एव अनुमिति ही। तो पहले इसको व्याप्ति का ज्ञान होना चाहिए, फिर कहीं इसको वो हेतु दिखना चाहिए, फिर उस हेतु को देख करके उस व्याप्ति का स्मरण होना चाहिए, ये क्या है, व्यापार या परामर्श। और उसके बाद, उस परामर्श के बाद, तदनंतरम उसके पश्चात पर्वतो वन्हिमान, ये पर्वत तो अग्नि वाला है, इति ज्ञानम जायते, तब इसको इस ज्ञान की उत्पत्ति होती है, तब ये निश्चित रूप से कह पाता है कि पर्वत अग्नि वाला है। तदेव अनुमिति ही, और इसी को ही कहेंगे अनुमिति ही, अनुमिति ही मतलब अनुमान प्रमाण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान। अगर ऊपर हो आकाश में धूम तो वो अपने मूल से जुड़ी नहीं ना, तो तब आप नहीं कह सकते हैं कि यहां पर अग्नि है, क्योंकि व्याप्ति का वो हो गया ना, दोनों का नित्य साहचर्य है ना। तो वहां अग्नि तो नहीं है ना, अग्नि तो बुझ चुकी होगी, धूम तो फिर भी दिख जाएगा आपको, तो तब आप ये नहीं कह सकते कि पर्वत धूम वाला है। तो वहां से उठती हुई दिखेगी ना जब अविच्छिन्न, तब आप कहेंगे आकाश आकाश में है, जैसे नीचे धूम है ही नहीं, इससे पता लगता है कि क्या पता किसी ने बुझा दी होगी अग्नि, तब आप नहीं कह पाओगे कि पर्वत वन्यमान। अब देखो इसमें ये जो इसकी व्याख्या कर रहे हैं ना, कुछ जगह ये अच्छी है इनकी, आलोक जो टीका है, संस्कृत हिंदी व्याख्या इन्हीं की है दोनों, संस्कृत भी और हिंदी भी। इसमें मैं ये संस्कृत वाला पढ़ रही हूँ, दो पेज के ऊपर। इसमें जो ये मोटे मोटे अक्षर है ना, जैसे अनुमितिम, अनुमिति क्या है, अनुमा स्वरूपम, व्युत्पादयति मतलब निरूपयति, ये जो व्याख्या है ना उसके ऊपर इन्होंने ये लिखा है, तो ये ज्यादा तो आपका पढ़ाई हुआ है इसलिए पूरा नहीं पढ़ूंगी मैं इसको। अनेन प्रत्यक्ष निरूपणानंतरम अनुमान इति निरूपणो अवसर संगति इति संसूच्यते, उद्देश्य क्रमेण अपि प्रत्यक्ष अनंतरम अनुमिति एव निरूपणी निरूपणीयत्वात्। उद्देश्य क्रम कहाँ का,
न्याय दर्शन का उद्देश्य का क्रम क्या है, पहले प्रत्यक्ष, फिर अनुमान, फिर उपमान, फिर शब्द। तो कह रहे हैं यहाँ पर हमने उद्देश्य क्रम से भी प्रत्यक्ष के बाद ही अनुमान आना चाहिए, उसी का निरूपण होना चाहिए, इसलिए प्रत्यक्ष अनुमानोपमान शब्द प्रमाणानि इति गौतमोक्ते है, क्योंकि गौतम ऋषि ने यही एक क्रम बताया है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द ये प्रमाण है। तो प्रत्यक्षम अपि अनुमिति ही, प्रत्यक्षम अपि अनुमिति ही तथा उपमिति ही शब्दजे इति प्रकृत ग्रंथोक्ते। पहले प्रत्यक्ष कहा, फिर अनुमान कहा, फिर उपमान कहा, फिर शब्द कहा। तो इसको पूरा ना पढ़ के फिर ये नीचे आ जाओ। अनुमायाम अनुमित तदाख्ये व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता जन्य ज्ञाने। अनुमायाम का अर्थ क्या है? अनुमित, जिसको अनुमिति ज्ञान कहा है, अनुमित तदाख्ये, अनुमिति ज्ञान कहने में व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान जन्य ज्ञाने। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान, पक्ष धर्मता ही ज्ञान है अपने आप में, व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान, और उस ज्ञान से जन्य, उस ज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, उसको कहेंगे अनुमिति या अनुमायाम। व्यापार क्या है? विषय मन संयोग रूप वृत्ति करण जन्यत्वे सति करण जन्य फल जनकत्वम व्यापारत्वम इति। विषय मन संयोग रूप वृत्ति, विषय और उसके साथ मन का संयोग, मन का संयोग होता है तो उससे एक ज्ञान होता है, तो उसको कहेंगे विषय मन संयोग रूप वृत्ति। और ये कैसी होती है? करण जन्यत्वे सति, किसी साधन से होती है। विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो उसके साथ मन जब जुड़ता है तो मन किसके माध्यम से जुड़ता है? ग्राण चक्षु आदि के माध्यम से जुड़ता है। तो करण जन्यत्वे सति करण जन्य फल जनकत्वम व्यापार, करण जन्य जो फल और उस फल का जनकत्व अर्थात उत्पन्न करने वाला, वो उसको क्या कहेंगे? व्यापार। उक्तम एव यम जनयित्वा एव यस्य यद् जनकत्वम स तद् व्यापार। यम जनयित्वा एव, जिसको उत्पन्न करके ही, यस्य यज जनकत्वम, जिसको उत्पन्न करने से ही उसका जनकत्व सिद्ध होता है, स तद व्यापार है, वो उसका व्यापार है। जैसे यहाँ पर जो व्याप्ति का ज्ञान था, उस व्याप्ति के ज्ञान के स्मरण होने से ही ये ज्ञान हुआ कि पर्वत वह्निमान है। तो ये जो व्याप्ति का स्मरण, ये है जो व्यापार है, ये उस ज्ञान का जनक है। परामर्श क्या है? ज्ञान विशेष व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीहि। परामर्श मतलब ज्ञान विशेष, ज्ञान विशेष मतलब व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धीहि, जो व्याप्य है। व्यापक क्या है? अग्नि। व्याप्य क्या है? धूम। तो व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व, व्याप्य का जो पक्षवृत्तित्व, पक्ष क्या है? पक्ष क्या है? पर्वत। पक्ष मतलब पर्वत, जो प्रतिज्ञा होती है ना उसको पक्ष कहते हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष ऐसे सुना है ना, तो पक्ष की स्थापना कब होती है? प्रतिज्ञा करने से। हम कहते हैं ये मेरा पक्ष है। शब्द नित्य है, शब्द ये क्या है? पक्ष। फिर उसके बाद आता है हेतु, उदाहरण, उपनयन और निगमन। तो यहाँ पक्ष क्या है? पर्वत। तो ये क्या है? परामर्श क्या है? ज्ञान विशेष है। व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्व धी, मिल रहा है ये आपको? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम वा, या फिर परामर्श किसको कहेंगे? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, व्याप्ति से विशिष्ट पक्ष धर्मता का ज्ञान। व्याप्ति विशिष्ट मतलब व्याप्ति विशिष्ट ज्ञान कौन सा हुआ? जहां जहां धूम है वहां वहां अग्नि है, ये ज्ञान क्या है?
व्याप्ति विशिष्ट ज्ञान, और इससे फिर पक्ष धर्मता का ज्ञान। माने जैसे वहां मैंने देखा ऐसे यहाँ भी धूम दिख रहा है पहाड़ पे, तो ये पर्वत वन्यमान है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम व्याप्ति ही साध्य साधन यो हो अव्यभिचरित संबंध। ये अलग से उसकी परिभाषा कर दी। व्याप्ति क्या होती है? साध्य साधन यो हो अव्यभिचरित संबंध है। साध्य और साधन का कैसा संबंध? नित्य संबंध, अव्यभिचरित संबंध, जिसका कभी व्यभिचार नहीं होता है, उसी को कहा नित्य संबंध। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि इति एवं रूपः, ये उसका रूप है। तो यहाँ साध्य क्या है? अग्नि, अग्नि दिख नहीं रही ना हमें पर्वत के ऊपर, तो वो साध्य है हमारे लिए। और उसका साधन क्या बन रहा है? ये धूम। और इस धूम से भी उस अग्नि को जानने के लिए अंतर्निहित साधन व्यापार क्या बन रहा है? परामर्श व्याप्ति का ज्ञान। सहचर्य नियम ये कह रहे हैं, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि इत्येवं रूपः सहचर्य नियम, इसको सहचर्य का नियम कहते हैं व्याप्ति को। तस्याः धीः, उस नित्य सहचर्य का जो नियम है उसका ज्ञान, उसका धी, उसका धी मतलब उसका ज्ञान। करणम क्या है? करणम व्यापारवत असाधारणम कारणम। करण क्या होता है? व्यापार के समान ही जो असाधारण कारण होता है। साधारण कारण तो बहुत सारे होते हैं और एक कोई होता है असाधारण कारण। जैसे घड़ा बनाने में बहुत सारे साधारण कारण हैं, स्थान भी है, दंड भी है, चाक भी है, बहुत सारे साधारण कारण। लेकिन एक असाधारण कारण क्या है? मिट्टी, उसके बिना नहीं बन सकता है। तो ऐसे ही कह रहे हैं करण क्या होता है? व्यापारवत असाधारणम कारणम, उसको कारण कहेंगे, कारण या करण। करणम भवेत संपद्यते, भवेत मतलब संपद्यते इति, तथा यथा ही प्रत्यक्षे इंद्रिय करणम विषय इंद्रिय संयोगो व्यापारः। जैसे प्रत्यक्ष से जब किसी चीज को जानते हैं तो उसमें इंद्रिय क्या बनता है? करण। और विषय और इंद्रिय का जो संयोग है उसको कहेंगे व्यापार। तथैव उसी प्रकार अनुमितौ अनुमान प्रमाण में व्याप्ति ज्ञानम करणम, उस व्याप्ति का जो ज्ञान है वो तो करण होता है। करण मतलब यहाँ पर असाधारण कारण। और लिंग परामर्शस्तु व्यापार है, और उस लिंग का परामर्श, इसको कहेंगे व्यापार। लिंग मतलब यहाँ पर धूम, उस धूम का जो परामर्श है उसको कहेंगे व्यापार। तो अब यहाँ देखो पंक्ति, ये व्यापारस्तु परामर्श करणम व्याप्तिर धी भवेत। अब आगे कह रहे हैं, ये जो मूल में आपने पूछा था, मूले अनुमायाम इति, चलो इसको छोड़ देते हैं, फिर ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ आ जाओ, 3 नंबर पेज पे ऊपर वाले पैराग्राफ में, पर्वतो वन्यमान इति, पर्वतो वन्यमान इति इत्थम प्रकारकम यज्ज्ञानम अवबोध तत् तादृशं ज्ञानम एवं ही अनुमिति ही, अनुमिति माने अनुमति पदवाच्यम इति, अत्र ही परामर्शो व्याप्ति ही, व्याप्ति ज्ञान जन्य, उसको क्या कहा यहाँ पर? परामर्श, व्याप्ति के ज्ञान से जो उत्पन्न हुआ। सच व्याप्ति ज्ञान, व्याप्ति ज्ञान जन्य अनुमिति जनक। ये परामर्श क्या होता है? व्याप्ति ज्ञान से उत्पन्न होने वाला अनुमिति का जनक अर्थात कारण। इति तस्य व्यापारत्वं परामर्श जनक साधनतया व्याप्ति धीय करणत्वं। तो यहाँ पर ये जो व्याप्ति की धी है ये करण है। महानसादौ धूमं तद योनित्वेन वह्निश्च दृष्ट्वा, महानस आदि में धूम देखा और उस धूम का योनि मतलब उसका कारण वो क्या है? वन्नि, वन्नि से धुआं उठा। उसको देख करके यत्र यत्र धूम है तत्र तत्र वन्नि इति गृहित संस्कारो जन है, ऐसा
संस्कार जिसके चित्त में बैठ गया, ऐसा ये व्यक्ति पर्वते धूमम अनवच्छिन्न मूलम दृष्ट्वा, तो ये व्यक्ति उस पर्वत पर अनवच्छिन्न मूल वाली धुआं को देख करके, स्मृत्वा च धूमवन्नयो सहचर्य नियमम, और फिर उसको स्मरण करके धूम और अग्नि के नित्य सहचर्य के नियम को, एक संबंधी ज्ञानस्य अपर संबंधी स्मारकतया, एक जो संबंध का ज्ञान था धूम और अग्नि के संबंध का ज्ञान था, उससे अपर संबंधी स्मारकतया दूसरे में भी संबंध जोड़ के उस स्मृति के माध्यम से वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, आग से व्याप्य धुआं वाला ये पर्वत है। इति परामृश्य, ऐसा परामर्श करके, ऐसा व्यापार करके, ततः इसके बाद अदृष्टे पि वह्नौ, अग्नि के न दिखाई देने पर भी पर्वतो वह्निमान, ये पर्वत अग्नि वाला है, इति अनुमिनोति, ऐसा अनुमान प्रमाण से जान लेता है। तो एतद एव लिंग परामर्श जन्यम ज्ञानम अनुमिति इति, तो यही क्या है, लिंग परामर्श जन्यम, लिंग के परामर्श से, लिंग है यहाँ पर धुआं, परामर्श मतलब पहले जो देखा था नित्य संबंध व्याप्ति का ज्ञान, उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है उसको क्या कहेंगे, अनुमिति। तो इसको फिर कल पढ़ेंगे, आज तो समय हो गया। ओ शांति 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 ही, श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, उसे मिटा कर फूल दिखा कर, उसे मिटा कर अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। श्री